पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय पर झंडारोहण किया और पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुरादाबाद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा परेड के साथ साथ अन्य आयोजन भी किए गए हैं। इसी के साथ आज भाजपा कार्यालय पर झंडारोहण हुआ है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आगे नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में हो रहा है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में निर्माण किया जा रहा है। इस संकल्प को सभी ने दोहराया है कि इसको आगे बढ़ाते हुए एक मजबूत भारत और नया उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव को मिलने वाले सम्मान पर बोलते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बधाई के पात्र है। मुलायम सिंह जी को हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये बड़ा सम्मान दिया है। सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज मुरादाबाद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ जिला प्रशासन द्वारा परेड और जो वहाँ आयोजन किया गया गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, और साथ ही साथ आज कार्यालय पार्टी के यहाँ ध्वजारोहण हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा भी हुई है और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी को आदान प्रदान की गई हैं। और आगे जो नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हो रहा है और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के हो रहा है, इस संकल्प को सभी ने दोहराया कि इसको आगे बढ़ाते हुए एक मजबूत भारत और नया उत्तर प्रदेश जो यहाँ देखने को मिल रहा है इसको और तीव्रता से आगे बढ़ाया जाए। सर, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिल रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बधाई के पात्र हैं। हम सब उनको शुभकामना बधाई देते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी का जो उन्होंने सम्मान और उनको या उनका जीवन, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के हमारे, तो उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सम्मान दिया। समाजवादी पार्टी ने अभी एक ट्वीट कराया, समाजवादी पार्टी ने अभी ट्वीट कराया, उसको कह रहा है भाजपा सरकार में इलाज को तरस रहे हैं, ना डॉक्टर है ना दवाइयाँ हैं, बस हवाइयाँ बातें हो रही हैं और विज्ञापन जो है झूठे लगाए जा रहे हैं। अब उनके ट्वीट पे तो मैं जवाब दूंगा नहीं, मगर उनके ट्वीट के जो स्तर है वो सभी जानते हैं और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। जो कि वो उनका स्तर रहा है ये इनके समाजवादी पार्टी के ट्वीट का, वो कतई बिल्कुल जो है शोभनीय नहीं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।